हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हैंडीक्राफ्ट गिफ्ट्स। आप सबका आपके अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ मैं। तो आज के वीडियो में आपको शेप से कुछ गेम बनाना सिखाऊंगी, जो कि आप एक्टिविटी में भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप अपने बच्चे के लिए शेप्स आइडेंटिफाई और एक गेम भी, मतलब फन तरीके से आप कुछ खिलाना चाहते हैं बच्चों को, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे बनाना सिखाती हूँ। अभी मैंने बेसिक शेप्स लिए हैं जो कि आप देख सकते हैं। मैं बता भी देती हूँ आपको, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, ओवल, सर्कल एंड डायमंड। तो इन शेप से मैं फार्म एनिमल बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम हम बनाना स्टार्ट करते हैं। एक और बात, अगर आप मेरी वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिए, बीच में स्किप ना करें। फ्रेंड्स, मैं एक और चीज आपको बता देती हूँ, इन शेप्स को आप किसी भी कलर्स में कट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 6 शेप्स ले लिए हैं। इन शेप्स को कट करने के बाद यहाँ पे मैंने A4 साइज शीट को भी सेंटर से कट कर लिया है, और यहाँ पे मैंने जितने शेप्स हैं उतनी वाइट शीट यहाँ पर ले ली है। एक और चीज फ्रेंड, यहाँ पर मैं सारी शीट्स को कट ही कर देती हूँ और एक आपको करके बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये डायमंड शेप लिया है, तो इन डायमंड शेप को हम जितने भी शेप्स हैं उसको हम अपने शीट्स पर ट्रेस करेंगे कुछ इस तरीके से। तो आप इसी तरीके से सारी की सारी शेप्स को ट्रेस करोगे व्हाइट शीट पे, जैसे मैंने यहां पर किया है। इसको हम आउटलाइन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एक करके मैं दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्कल शेप पिंक कलर में कट किया है, तो मैंने इसकी आउटलाइन भी पिंक कलर में बनाई है। तो ये कुछ इस तरीके की मेरी गेम है कि बच्चों को शेप्स को उनके सही कॉलम में रखना है। इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इस सर्कल पे एक फार्म एनिमल ड्रॉ करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डार्क पिंक स्केच पेन लिया है, और हम यहाँ बनाने जा रहे हैं एक पिग, जो कि सिंपल ड्रॉइंग मैंने ली है। दोनों तरफ से हम एक छोटे छोटे ट्राइंगल्स बना लेंगे, जो कि ये ईयर्स होंगे पिग के। यहां हम एक ओवल शेप बना लेंगे माउथ के लिए। मैंने बहुत ही इजी और सिंपल ड्राइंग ली है ताकि आप इसे आसानी से बना सकें। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी सिंपल सी ड्राइंग यहाँ पर रेडी है। तो हम इस सर्कल पे जो हमने पिग बनाया है इसको हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम इसके साथ इसके ईयर्स के आसपास छोटी सी आउटलाइन यहाँ पर भी करेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी थोड़ी सी आउटलाइन यहां पर भी करी है, और साथ ही हम इसके पैर भी बना लेंगे, जो कि मैं इसको भी पिंक कलर से ही फिल कर रही हूं। और अब हम यहां पर टेल बना लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं हमारी फर्स्ट गेम जो सर्कल शेप की, यहाँ पे शेप है और बच्चों को यहाँ पर इसमें सही जगह पे पुट करना है। आप उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पर शेप का नाम भी लिख सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सर्कल। तो ये मैंने यहाँ पे सर्कल लिख लिया है और ये मेरा पेग यहाँ पर फिक्स हो गया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एनिमल बनाते हैं। सर्कल के बाद मैंने नेक्स्ट शेप जो लिया है वो रेक्टेंगल लिया है, और सेम जो मैंने यहाँ पे कटआउट लिया उसको मैंने यहाँ पे ट्रेस भी कर लिया है ब्लैक कलर से। तो अब हम यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट यानी कि काउ बनाएंगे। जो मैंने ये रेक्टेंगल शेप लिया है, यहाँ पर आप पैचेस आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पर रफली कहीं पर भी दे रही हूँ। एक अंदर और बना दिया है मैंने, यहाँ पर मैंने आईज ड्रॉ कर दी है, यहाँ पर नोज बना दिया है, और ये एक माउथ। और मैं इन सारे पैचेस को ब्लैक कलर से फिल कर लूंगी ताकि ये सच में एक काऊ लगे।
अगर आप यहाँ पे पेंट कलर यूज करना चाहते हैं फिल करने के लिए स्केच पेन ना करके, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको फिल कर लिया है। अब मैं इसके जो माउथ में पिंक कलर फिल कर देती हूँ ताकि ये पूरा एक काव का लुक आ जाए। अगर आप इसको व्हाइट छोड़ना चाहते हैं तो आप इसको व्हाइट भी छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल शेप से काव बना दिया है। यहाँ पर मैं इसको पुट कर रही हूँ और साथ ही मैं यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर भी डिटेलिंग देंगे, जैसा कि काव के हॉर्न बना देंगे इस तरीके से, और कॉर्नर्स पे ऐसे ईयर्स, और ईयर्स में भी हम छोटे छोटे से पैचेस बना देंगे ताकि ये काव लगे। और यहाँ पर हम पैर इस तरीके से, और यहाँ पर टेल। तो आप देख सकते हैं कि ये भी एक कितनी प्यारी सी गेम है। यू हैव टू पुट द शेप इन द करेक्ट प्लेस। तो आप देख सकते हैं रेक्टेंगल को आपको पुट करना है। ठीक उसी तरीके से मैं आप साइड करके यहाँ पर ओवल शेप लेकर आई हूँ। ओवल शेप को मैंने यहाँ पर गोल्डन येलो कलर से, या आप कह सकते हैं लाइट ब्राउन कलर से आउटलाइन किया है मैंने, और इसको मैं यहाँ पे पुट कर दे रही हूँ। और हम अब इसका डक बनाएंगे। तो लुक सबसे पहले यहाँ डक बनाने के लिए आईज बनाएंगे हम। आईज बनाने के बाद यहाँ पर इसकी बीक भी बनाएंगे ये, और इसके विंग्स भी। ये विंग्स, और जहां जिससे हमें ये पता चले कि ये डक है, तो हमने इसकी इस तरीके से पैर भी बना दिए हैं। और अब हम इसको येलो कलर से और डार्क ब्राउन कलर से फिल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इसको कलर कर दिया। इसको पूरी डक का लुक देने के लिए यहाँ पर आईज जो बिल्कुल ही ब्लैक हो गई है, यहाँ पर मैं छोटे छोटे से वाइट पेपर भी पेस्ट कर देती हूँ ताकि ये पूरा डक का लुक आ जाए। ये मैंने बहुत छोटे छोटे से वाइट पेपर सर्कल शेप में कट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स ये आप एक और गेम देख सकते हैं। इसी तरीके से आप बाकी भी इजीली बना सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आपको बाकी शेप की कैसे बनानी है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ सारे एनिमल्स बना लिए हैं और बहुत ही इजी था, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट मैं बना के दिखा रही हूँ, मतलब बने हुए दिखा रही हूँ। यू गॉट द आइडिया, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे बनाना है। और ये बहुत अच्छी गेम है, जैसा कि यहाँ पे ये रेक्टेंगल है वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आपको उल्टे अक्षर दिख रहे हैं, बट आपको पिक्चर सही दिख रही होगी। तो दिस इज अ रेक्टेंगल शेप, एंड इफ यू रिमूव द शेप, आपको शेप्स अलग कर देनी है, देन आपको बताना है कि इस शीट का शेप कैसा है, रेक्टेंगल शेप है। देन जो भी बेबी चाहे आप जो एक्टिविटी करा रहे हो वो उसके अकॉर्डिंग, ये मेरा काओ रेक्टेंगल शेप के साथ रेडी है। देन डक, डक ओवल शेप के साथ रेडी है। यू कैन सी दिस पिक्चर, द ओवल शेप इज दिस, एंड नाउ आई एम गोइंग टू पुट द डक शेप इज है, एंड दिस इज ऑल्सो अ फार्म एनिमल। तो हमारी ये वाली शेप वाली एक्टिविटी भी रेडी है। एंड लुक द पिग, सर्कल पिग, सो यू हैव टू पुट लाइक दिस। गेम की एक्टिविटी बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। आप इसे बहुत अच्छे से बच्चे खेल भी सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं। लाइक दिस इज अ गोट एंड द शेप ऑफ दिस शीट इज स्क्वायर शेप। यू कैन सी द स्क्वायर शेप इज हेयर, and I am going to put the sheet here. So this is a square shape activity, and look, this is horse, the diamond shape activity. Look all of you, this is the basic structure, जो पीछे आपको structure बनाना है और जो इस shape पे बनाना है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप pause करके आराम से देख के बना सकते हैं। बहुत ही easy drawing है, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी बनाने में। जो last shape है वो है triangle shape, and ट्रायंगल शेप से क्या बनाया है हमने, हैंड। तो आप यहाँ देखिए बैकग्राउंड में सिंपल ट्रायंगल शेप के साथ क्या बना हुआ है,
और इसी तरीके से हमारी जो ये सारे शेप्स की एक्टिविटी यहाँ पर रेडी है। मैं आपको दो दो करके दिखा देती हूँ, स्क्वायर एंड डायमंड, सॉरी ट्राइंगल एंड डायमंड, स्क्वायर एंड सर्कल, ओवल एंड रेक्टेंगल। सो ये एक्टिविटी आप खुद से बना के भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बहुत ही इजी एक्टिविटी है। ट्राई टू मेक इट एट योर होम। अगर आपको कोई भी परेशानी फेस करनी पड़ रही है बनाने के समय तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।